आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दवा मुक्त समाज का 25वां वीडियो लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों में एक बहुत ही बड़ा इश्यू रहता है कि बच्चे 8-10 साल के हो जाते हैं तभी वो बेड वेटिंग करते रहते हैं। रात को सोते टाइम वो बिस्तर गीला कर देते हैं, उनको पेशाब का पता ही नहीं लगता है कि कब वो कपड़ों में निकल गया। तो बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम से आप लोग कैसे बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ऐसे बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं उनको रोज रात को सोते टाइम थोड़ा सा एक चम्मच तिल और उसमें उतना सा ही गुड़ डाल करके दोनों को मिक्स करके और उन बच्चों को खिला करके रात को सुलाना शुरू करिए। पहला काम तो ये करिए। दूसरा काम जो सुजोग थेरेपी के हिसाब से करना है वो आपने ये करना है कि ये हमारे ब्लेडर का पॉइंट है इस जगह पर, तो आपने यहाँ पे मेथी दाना लगा करके और ये इस तरीके का प्रेशर उसके बच्चे के ब्लेडर के पॉइंट्स पे बार बार देना। हर आधे घंटे बाद आपने इन सीट को दबाना है ताकि उसका ब्लेडर स्ट्रेंथन हो सके और ये जो पेशाब जो आने का प्रॉब्लम है उसका खत्म हो सके। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपने इसी पॉइंट पे एक तरफ आपने मेथी दाना लगा दिया, दूसरी तरफ आपने रेड कलर लगाना है। ऐसा रेड कलर का एक गोला आपने बना देना है, एक सर्कल बनाना है। और दूसरा काम क्या करना है, जो हमारा ब्लेडर का जो मेरिडियन है उस पर आपने रेड कलर करना है। यहां से आपने शुरू करना है रेड कलर करना, एकदम पास से लेना बेटा। ये ऐसा करते हुए आपने ठेठ नीचे तक आना है। एक काम ये कर दिया आपने। दूसरा काम क्या करना है, आपने बैक साइड में भी एक सर्कल को बनाना है इस जगह पर। अगर ये तीनों काम आप कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 5-7 दिन में ही या बल्कि उससे भी ज्यादा जल्दी बच्चे का जो बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है उससे आप उसको बाहर निकाल करके ला सकते हैं। हफ्ते 10 दिन आप इस ट्रीटमेंट को रेगुलर करिए, 15-20 दिन इसको बंद रखना है। दोबारा अगर आपको जरूरत लगे तो दोबारा इस ट्रीटमेंट को आप हफ्ते 10 दिन के लिए रिपीट कर सकते हैं, पर ये रिपीटेशन तभी होना चाहिए जब आपको इसका कोई जरूरत लगता है। अगर कोई जरूरत नहीं है तो आपको इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। इन वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।